हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी जोड़ी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर की काजल जी के बारे में, जो कि अपनी लव स्टोरी शेयर करने आई हैं हमारे बनारसी जोड़ी मेंबर्स के बीच में। तो चलिए पहले काजल जी से आपको मिलाते हैं। हेलो काजल जी। यस भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया। और आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आप कहाँ से हैं, और आप दोनों कपल्स का नाम बताइए अपने। जैसे कि दोस्तों भैया खुद बता दिए कि मैं गोरखपुर से हूँ, तो मेरी पूरी डिटेल आप लोग जान लीजिए कि मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा नाम काजल है और इनका नाम सनी है, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और हम लोगों की लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो काजल जी, ये बताइए कि आप दोनों लोग साथ में क्यों नहीं आई है, आप साथ नहीं रहती है अभी? नहीं, अभी हम दोनों साथ नहीं रहते भैया। अच्छा, तो आपकी घर कितने दूरी पे है? आधे किलोमीटर। सेम गांव है क्या आप लोग का? यस भैया। अच्छा, सेम गांव है। हाँ। और तो मार्केट भी सेम ही होगा आपका जब सेम। हाँ, हाँ, सब सेम है हम लोगों का। वैसे आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरी फैमिली, मेरे पापा जो है बिजनेसमैन है और इनके पापा मिस्त्री है। अच्छा, किस बिजनेस से रिलेट करते हैं आप लोग? ट्रांसपोर्ट बिजनेस से भैया। ट्रांसपोर्ट बिजनेस से। और आपकी रिलेशन कितने दिनों की रही है? हम लोग की रिलेशन 3 साल हो गई भैया। 3 साल हो गई है। और अब शादी करनी है आप लोग को एक दूसरे से? हाँ हाँ, हम लोग एक दूसरे से शादी करनी है। अच्छा, ऐसे में लोग शादी करते समय कास्ट देखते हैं कि कास्ट सेम है या नहीं है, जो फैमिली वाले होते हैं और गांव वाले होते हैं वो कास्ट देखते हैं, तो आप लोग की कास्ट क्या सेम है? नहीं भैया, हम लोग की कास्ट सेम नहीं है। आप लोग को भी इंटर कास्ट ही करना होगा। हाँ हाँ। तो ऐसे में क्या आपके फैमिली वालों को पता है सारी बातें कि आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं? हाँ भैया, मेरी फैमिली को पता है, इनकी फैमिली को पता है। तो घर वाले राजी हैं दोनों की? हाँ, आप दोनों की शादी करा दी जाएगी, सनी के घर वाले और आपके घर वाले? नहीं, मतलब इनके घर वाले राजी हैं, मेरे घर वाले अभी राजी नहीं है भैया। अच्छा, क्या कहते हैं आपके घर वाले? मेरे घर वाले बस कास्ट देखते हैं भैया, इंटर कास्ट है इसलिए नहीं राजी है मेरे घर वाले। अच्छा, और उनके घर वाले से मतलब कि इंटर कास्ट में भी शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ भैया। हाँ। अच्छा, तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप लोग मिले थे एक दूसरे से पहली बार, तो उस समय प्रपोज आपको कौन किया था? आप उनको की थी कि वो आपको किए थे? वो मेरे को किए थे। अच्छा, चलिए आप अपनी स्टोरी बता दीजिए, जब से आप मिली थी तब से लेके आज तक की स्टोरी बता दीजिए कि आपके लाइफ में क्या क्या हुआ है। आप अपनी लव स्टोरी बताएंगे शॉर्ट में थोड़ा? हाँ भैया, जैसे मतलब ये मुझे देखे कब थे, ये मैं अपने छत पे आई थी और ये मेरे बगल वाले फील्ड में काम मतलब इनके पापा काम कर रहे थे। हाँ। तो वो इनको नाश्ता देने आए थे। अच्छा। तो ये मेरे को छत पे देखे और फिर उसी टाइम मतलब ये हमको लाइक करने लगे, फिर ये मेरे गांव में हमेशा आने लगे। अच्छा। तो ये मुझे देखते नहीं थे, उसके बाद हम कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 9-10 तक के बच्चों को हम कोचिंग पढ़ाते थे। अच्छा, आप कोचिंग भी पढ़ाती थी? हाँ हाँ, कोचिंग भी पढ़ाते थे। कितने तक बच्चों को पढ़ाती थी आप? 10th तक के बच्चों को भैया। अच्छा, तो उस समय आप कितने में पढ़ती थी? 11th में पढ़ते थे। अच्छा, आप 11th में रह के 10th तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ा लेती थी? यस भैया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने आगे तक पढ़ा लेती थी। थैंक यू भैया। और फिर क्या हुआ था उसके बाद? फिर मतलब इनको पता चला, तो ये मतलब इनका क्लास तो बड़ा था लेकिन ये छोटे बच्चे बन के मेरे पास आए कोचिंग पढ़ने के लिए, मेरा नंबर लेने के लिए, हमसे बात करने के लिए। फिर जब ये मेरे पास आए, मेरे घर में आए, ये मेरा नंबर उमर लिए, फिर एक महीने तक बस पढ़े, वो भी पढ़ने नहीं आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। फिर उसके बाद फिर ये छोड़ दिए कोचिंग और वहीं से हम लोगों का स्टार्ट हो गया बात करना। अच्छा, वही मतलब कोचिंग जब आते थे उसी समय से आप लोग का बात करना स्टार्ट हो गया था? हाँ भैया। हाँ। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर वो जब छोड़ दिए तो उसके बाद बात हुआ? हाँ, उसके बाद फिर बात होती थी। और हाँ। मेरे पास फोन नहीं था, मैं मम्मी के फोन से बात करती थी। तो अच्छा। मेरे घर में तो कुछ मतलब भाई बहन है वो लोग कहते थे मम्मी से, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हमको कुछ लगता है मतलब काजल किसी से बात करती है। अच्छा। तो मम्मी, उसके बाद फिर मम्मी हमको फोन देना बंद कर दी, फिर हम अपना पैसा कलेक्ट करके हम अपने पैसे का फोन लिए। फिर जब हम उसके बाद फिर उनसे रेगुलर बात करने लगे। अच्छा, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जब आप अपने फैमिली को बताई हैं कि आप उनसे शादी करना चाहती हैं, तो आपकी फैमिली एग्री है या फिर अच्छे से रहती है आपके साथ? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री नहीं है।
नहीं और उनका बिहेवियर अच्छा आपको चेंज लगता है कि नहीं, पहले की अपेक्षा जब नहीं जानते थे तब और अब जान गए आपके बारे में तब बिहेवियर चेंज लगता है फैमिली का? हाँ भैया, जैसे कि कुछ होना तो आप ही को डांटना कि इससे खुशी की वजह से हो रहा है ऐसे वैसे कुछ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही हाँ भैया। जो भी होता है, अगर कुछ भी होता है मेरे साथ, तुरंत मेरी फैमिली यही कहती है कि उसी की वजह से होता है, वो उससे तुम बात करती हो ऐसे वैसे, वही कुछ कराया होगा, ऐसे किया होगा। अच्छा हाँ, यही हम बताना चाहते हैं, जितने भी हमें देखते हैं बनारसी जोड़ी के मेंबर्स, सभी लोग का कोई ना कोई लव स्टोरी जरूरत है, इसीलिए वो हमें देखना पसंद करते हैं, हम जैसे लोगों को, जैसे हम हो गए, आप हो गई काजल जी, और पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें चाहत जी थी, ऐसे लोगों को ही देखना पसंद करते हैं, और जो लोग देखते हैं उनकी खुद की भी स्टोरी रहती है, तो उनसे यही कहना चाहेंगे, सबके साथ यही होता है, जब घर वालों को पता चल जाता है ना कि ये लड़की या फिर ये लड़का किसी से बात कर रहा है, तो आप पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपसे कोई गलती होगा तो सीधे आपको कहेंगे बस उसी लड़के की वजह से हो रहा है, उसी लड़की की वजह से हो रहा है, यही चलता हाँ है। भैया, हाँ तो अब फाइनली आप क्या सोच रही हैं, जब घर वाले नहीं तैयार हो रहे हैं और आपको उन्हीं से शादी करना है, उनके घर वाले तैयार हैं, तो आप इसमें क्या सोच रही हैं कि आप करेंगी या फिर नहीं? भैया, मेरे को उन्हीं से शादी करनी है। हाँ अच्छा उन्हीं से शादी करनी है, लेकिन घर वालों के दबाव में आप अभी आ रही हैं थोड़ा। हाँ भैया, चलिए अच्छा, फिर भी आप अपने घर वालों से बोलिएगा मनाने के लिए, मनाइएगा एक बार। ओके हाँ भैया, ओके भैया। अच्छा, और अच्छा हमने आपके बारे में जाना है, जैसे हमें पता चला है कि आप आगे चल के यूट्यूब भी स्टार्ट करने वाली हैं। जी भैया जी, शादी के बाद। हाँ उनसे शादी होने के बाद आप एक कपल ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हैं यूट्यूब पे ना? हाँ भैया, चलिए अच्छी बात है, आइएगा आइएगा तो आप हमसे एक बार कांटेक्ट करिएगा, हम आपका फिर से एक बार एक कोई वीडियो बना देंगे, लोगों को बता देंगे सभी लोगों को कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका ब्लॉग चैनल कौन सा रहेगा। ओके भैया। हाँ तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं अभी आपका प्रेजेंट एज क्या है, इस समय आपकी एज क्या होगी? मेरा 19 ईयर है भैया, और अच्छा इनका भी 19 ईयर ही अच्छा है। उनका भी 19 ईयर ही है। यस भैया। अजय जी, जैसे हमने आपके लव स्टोरी में जाना कि आप कोचिंग में उनसे मिली थी, बात की थी, आपके छोटी भाई बहन जो थे उनके द्वारा आप पकड़ी गई थी, हाँ भैया, तो उसके बाद आप कुछ दिनों तक बात करना बंद की कि फिर आप अपना न्यू फोन उसी समय लेकर अपना बात करने लगी थी? नहीं भैया, उसी टाइम हम अपना न्यू फोन लेके बात करने लगे हैं। तो घर वालों ने मना नहीं किया कि आप न्यू फोन क्यों ले रही हैं? नहीं भैया, बहुत लोग मना किए हैं, झगड़ा वगड़ा सब हुआ, लेकिन हम कहे अच्छा हम अपने पैसे का ले रहे हैं, तो आप लोग क्या इतराज है। नहीं अच्छा तो आपको क्या लगता है कि फैमिली वाले आपकी शादी करा देंगे? भैया, अच्छा चलिए ऐसी कोई बात नहीं, अगर फैमिली वाले शादी नहीं कराते आप उनको फिर भी बहुत मनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो माता पिता हैं, उनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करिएगा, जब आपको लगेगा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है ना तब आप कोर्ट मैरिज के बारे में सोचिएगा, लेकिन उससे पहले आप बहुत मनाने का कोशिश करिएगा फैमिली को। ओके भैया। हाँ तो जो है कि सनी जी से आज भी आपकी बात होती है, हाँ भैया, अभी भी आपने होती है। हाँ आपने बताया है उनको कि आप आज बनारसी जोड़ी को अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हैं, भैया, उनको भी बताया क्यों है। वो क्यों नहीं आए तो हमारे प्लेटफॉर्म पे? जैसे कि भैया अभी मतलब उनका पेपर चल रहा है, तो ज्यादातर से पढ़ाई पे फोकस कर रहा है ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप आइए आप अपनी स्टोरी बताएं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों यह रही काजल जी गोरखपुर से, जहाँ पर कि हमारे योगीनाथ जी का जन्म स्थल है, हमारे योगीनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं वो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, और काजल जी हमारी जो है ना कि वो मिली भी हैं योगी जी से ना काजल जी? यस भैया, हाँ कैसे मिली थी आप एक बार स्टोरी ये भी बता दीजिए, योगी जी से कैसे मिली थी? स्कूल के तरफ से भैया, जैसे मतलब स्कूल में प्रोग्राम होता था या कोई कंपटीशन होता था, तो हम भाग लेते थे, तो उसी के माध्यम से हम जाते थे, मतलब वहाँ सर्टिफिकेट वही गोरखनाथ मंदिर में मिलता था, तो अच्छा हम जाते गोरखनाथ थे। तो मंदिर गोरखपुर का फेमस है। हाँ भैया, तब तो मैं जाती थी अपना सर्टिफिकेट लेने और मतलब मेडल लेने, तो उसी टाइम मिली थी। अच्छा दोस्तों यह रही काजल जी गोरखपुर से जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई, अगर आप भी अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आके आप बता सकते हैं, नीचे शिखा की इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, हमारी व्हाट्सएप नंबर दिए गए जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में या फिर नए लव स्टोरी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, काजल जी बाय आप भी बाय, कर लीजिए बाय बाय, बाय बाय दोस्तों। तो थैंक यू काजल जी। दोस्तों यह रही थी काजल जी की स्टोरी, अगर आप अपना स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे मतलब रूल्स आ जाते हैं कि अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, अगर अपना फोटो दिखाना चाहते हैं उसमें चेहरा ब्लर कराना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका हम वो
इंटरव्यू ले लेते हैं, और अगर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम आपका वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी इंटरव्यू कर लेते हैं। आपकी कोई पुरानी स्टोरी रही हो उसका भी स्टोरी आप शेयर कर सकते हो, या फिर प्रेजेंट में कोई स्टोरी चल रही हो उसका भी शेयर कर सकते हो। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हो तो उसका भी शेयर कर सकते हो, उसका भी लिंक हम आपका दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं हो तो भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपकी स्टोरी जिंदगी में कोई प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आके शेयर कर सकते हो। अगर आप लव मैरिज की हो तो और अच्छी बात है, आप यहाँ पर आके हमारे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए, चाहे कॉल के माध्यम से चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम आपकी स्टोरी ले लेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। आप आसानी से अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो हमारे तक, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कॉल करके पहले कैसे क्या होता है। तो बिना घबराए आप हमारे चैनल पर आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो।